In this video, we will discuss biotechnology and its applications in agriculture. Agriculture mein specifically we move to BT bacteria and BT plants. Now, sabse pehle hum dekhenge ki ye BT kya cheez hai. BT is the name of a bacteria, Bacillus thuringiensis. ठीक है, और इस Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया में देर इज अ जीन नोन बाय द नेम ऑफ बीटी जीन. इस बीटी जीन को हम क्राय जीन भी बोलते हैं, और ये वो अगर ये क्राय वर्ड इटैलिक्स में प्रिंट हुआ है बुक में तो दैट डिनोट्स जीन. यहां पर मैंने इटैलिक्स में ना लिखते हुए इसे अंडरलाइन किया है. ठीक है, अब ये जो क्राय जीन या बीटी जीन है, इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अंडरगो करने के बाद ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर देगी विच विल बी नोन बाय द नेम ऑफ क्राय प्रोटीन. तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो डोंट अंडरलाइन इट द क्राय वर्ड, और जीन की बात कर रहे हैं तो जीन को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ताकि या अगर बुक में प्रिंट है तो आप देखना बुक्स में भी इट विल बी रिटन इन इटैलिक्स. अब ये जो क्राय प्रोटीन, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. क्राय प्रोटीन इज अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है, एंड इट डिजॉल्व्स इन एल्कलाइन पीएच. एल्कलाइन पीएच 7 से ऊपर पीएच अगर होगी तो वो एल्कलाइन होगी, तो उस पीएच में ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद ये इसकी नेचर पॉइजनस या टॉक्सिक हो जाती है. टॉक्सिक और पॉइजनस नेचर ऑफ द प्रोटीन इज अटेन्ड व्हेन इट डिजॉल्व्स इन एल्कलाइन पीएच. अब हम इस कंडीशन को प्लांट्स के ऊपर अगर लगाएं तो प्लांट्स में एल्कलाइन पीएच नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इट मीन्स दैट क्राय प्रोटीन विल नॉट डिजॉल्व. तो आराम से इस जीन को हम, जो कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाती है, इसे आराम से हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और यही साइंटिस्ट्स ने किया. अभी साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन्होंने इस बीटी जीन को आइसोलेट किया और इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट्स के अंदर. ठीक है, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं क्या आया. बीटी जीन, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्राय जीन भी बोलते हैं इसको, क्राय जीन या बीटी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट्स में, और प्लांट्स में फिर क्या होने लग जाएगा, नेचुरली जीन जो है अपना प्रोटीन बनाएगी बाय अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. और वही हुआ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अंडरगो करके बीटी जीन ने क्राय प्रोटीन बना दिया. क्राय प्रोटीन बनाने के बाद अब सपोज कोई भी इंसेक्ट है, उसका कैटरपिलर, नाउ कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ सम पेस्ट, कोई भी पेस्ट इंसेक्ट जो प्लांट्स को खाने आता है, प्लांट और उसके पार्ट्स को खाने आता है, सपोज वो लीफ खा रहा है, स्टेम खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, फ्लावर खा रहा है, कुछ भी खा सकता है. तो सपोज लार्वा पेस्ट का जो है, जिसे मैंने कैटरपिलर का नाम दिया, वो लीफ खा रहा है किसी भी प्लांट का. लीफ खाने पर ये जो क्राय प्रोटीन है, अब नेचुरली ये टॉक्सिक बताया मैंने, पॉइजनस हो जाएगी. कब होगी, जब ये क्राय प्रोटीन जो इंसेक्ट ने खाया है लीफ जिसका, इट विल एंटर द गट ऑफ पेस्ट, इंटेस्टाइन ऑफ पेस्ट. ठीक है, तो गट में क्या कर देगा ये, अब क्योंकि उसको एल्कलाइन पीएच भी मिल गई है गट के अंदर, तो गट के अंदर उसकी एपिथेलियल लाइनिंग में ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है होल्स क्रिएट करेगा, होल्स इन गट. ठीक है, गट में होल्स या परफोरेशंस बन जाएंगी, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो रप्चर कर जाएंगी, ये वाली सेल्स जो हैं ये रप्चर कर जाएंगी, एंड द इंसेक्ट विल डाई. ठीक है, तो हमने क्या किया, यूजुअली कोई भी इंसेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. ठीक है, हमने यहाँ पर लार्वल स्टेज ऑफ द इंसेक्ट को किल किया है, ताकि कोई भी प्यूपा या अडल्ट ना बन सके. तो इस टेक्निक के थ्रू कई बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप किया गया है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन,
बीटी टोबैको एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट्स इस टेक्निक के द्वारा डेवलप कर दिए गए हैं, ठीक है। और बीटी कॉटन को जो है वी आर यूजिंग इन इंडिया सिंस 2002। दिस बीटी कॉटन इज पेस्ट रेजिस्टेंट, ये बाकी सभी प्लांट्स भी पेस्ट रेजिस्टेंट हैं। सो ये वाला जो फिनोमिना है प्रोडक्शन ऑफ बीटी प्लांट्स, दैट इज अ बून टू एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लांट्स जो है पेस्ट्स की प्रॉब्लम से जो जूझ रहे थे अब नेचुरल तरीके से ही वो इसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।